वीडियो में उड़ती पतंगों के बीच हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन अब पूरे मामले में लेकर के अनभिज्ञता जता रहा है। प्रशासन इस खबर से बाखबर नहीं है, पूरे मामले में अब तक अनभिज्ञ प्रशासन बना हुआ है। देखिए, सुरक्षा के लहजे से सबसे बड़ा सवाल खड़े यहां पे हो सकते हैं। अजमेर से ये सीधी तस्वीरें आई हैं, पतंगें उड़ रही हैं आसमान में हर तरफ और उस बीच हेलीकॉप्टर गुजर रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो अजमेर से आई है। इसे देख करके आप सुरक्षा के लहजे से कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मौत का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कई सारी चीजें हो सकती थी कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था अगर पतंगे लटक जाती और आसमान में पतंगे उड़ रही हैं उनके बीच में फंस करके हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता, कई लोगों की जान जाती, जो लोग इसमें सवार थे उनकी जान चली जाती, तो सरासर ये लापरवाही का पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर ये बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो, उड़ती पतंगों के बीच हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा को कैसे ताक पर रख दिया गया। वहीं प्रशासन मामले से अब तक अनभिज्ञ बना हुआ है, यानी कि इस बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं, कहने सुनने को कुछ नहीं प्रशासन के पास फिलहाल। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, ये वो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता और पतंगों के बीच में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था, पतंगे अगर इस हेलीकॉप्टर के पंख से उलझ जाती तो सुरक्षा के लहजे से कई सारे सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। लापरवाही का सरासर ये पूरा मामला है, कैसे इजाजत दे दी गई इस तरीके से हेलीकॉप्टर को इन क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए, और पतंगबाजी हो रही है पूरे शहर में, देश के कई हिस्सों में जहां मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है वहां पर, और उस बीच इस तरीके से आसमान में उड़ता यह हेलीकॉप्टर पतंगों के बीच इनके मांझे के बीच। जी मीडिया संवाददाता मनवीर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनवीर, ये हेलीकॉप्टर किसकी है, इसमें कौन लोग सवार थे और प्रशासन की तरफ से क्या कोई औपचारिक बयान सामने आया? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई औपचारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन प्रशासन ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है। उनका यही कहना है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये इनकी जानकारी में नहीं था। और सबसे इस पूरे मामले में सबसे बड़ी और गंभीर बात अगर कुछ है तो वो यही है कि बिना प्रशासन की अनुमति के एक हेलीकॉप्टर इस तरीके से पुष्कर पहुंचता है और इतनी नीचे उड़ान भरता है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अगर ये हादसा अगर होता तो कई जनों की जाने भी जा सकती थी। ऐसी स्थिति में जब ये पूरा मामला सामने आया तो जाहिर तौर पर कुछ ही देर में प्रशासन की तरफ से भी किसी औपचारिक बयान के सामने आने की संभावना है, क्योंकि ये पूरा बड़ा मामला है और इसकी प्रशासनिक जांच बेहद जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन प्रशासन अभी तक अनभिज्ञ बना हुआ है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर किसका था, किस डिपार्टमेंट का था, इसमें कौन लोग सवार थे, कोई जानकारी नहीं किसी भी तरीके की। और इसी के साथ बुलेटिन